शोले, तड़प और खुलासा, इसे कहते हैं प्लान पर पानी फिरना। अरे लेकिन ये तो क्लाइमेक्स है। जी, क्लाइमेक्स से पहले बिल्डअप सुन लीजिए, वरना कहानी में मजा नहीं आएगा। हुआ यूं कि बड़ी रानी माँ ने सावित्री का काम तमाम करने के लिए बग्गी में बॉम्ब फिट कर दिया था, और रानी माँ की चाल कामयाब भी हुई, ब्लास्ट भी हुआ। और ब्लास्ट होते ही राणा जी तड़प उठे कुछ इस तरह। स्टोरी तो अभी भी देख ही रहे हैं, गायत्री ने तो के हुआ, सावित्री तो है लुक 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 के लिए। अब हमें लगा कि सावित्री राणा जी को सारे षड्यंत्रों के बारे में बता देंगी, लेकिन उनके भी इरादों पर कुछ इस तरह पानी फिरा। वो तो कब से मैं तपस्या कर ही रही थी कि कब मैं राणा जी को सच बताऊं, लेकिन अभी भी ये नहीं कंफर्म हुआ कि राणा जी मुझे बिलीव करेंगे कि नहीं। तो हो सकता है कि शायद एक और बार मैं अपने ही जाल, दूसरों के जाल में मैं फंस जाऊं और बैक टू स्क्वायर वन आ जाऊं। सौतन और षड्यंत्र, अब कैसे बचोगी गायत्री? अरे सौतन तो आते जाते रहती है, उसमें क्या है। ये भी खूब है, इतना बड़ा कांड हो गया, गायत्री सावित्री का खुलासा हो गया, लेकिन गायत्री को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन्होंने तो फैमिली प्लानिंग के सपने भी देखने शुरू कर दिए। अब बहुत जल्द इस महल में किलकारियां बजेगी। आई डोंट नो, एक्चुअली अभी तो जितना मुझे पता है राणा जी फिर से मैं और राणा जी फिर से अलग हो जाते हैं, फिर यू नेवर नो कहानी में कुछ ट्विस्ट आ जाए तो। तो भैया कुल मिलाकर राणा जी के सामने दो झूठ हैं। गायत्री ने सावित्री बनकर प्यार में झूठ बोला, और नानी ने अपने नापाक मंसूबों के लिए। अब किसके झूठ को मजबूरी और किसके झूठ को छल मानते हैं राणा जी, ये तो राणा जी के देखने पर निर्भर करता है कि इस नजारे को किस नजरिए से देखना है। मेरे ख्याल से अभी ये ट्रैक जो है खत्म होने को आया है, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। बहुत जल्द मेरे ख्याल से उन्हें पता चलेगा, वो रिएक्ट कैसे करेंगे ये तो आपको देखना पड़ेगा। गायत्री सावित्री का खुलासा हो जाता है कि वही गायत्री है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि राणा जी कब तक गायत्री को नहीं अपनाएंगे। वैसे मैं बोल रही थी, राणा जी गेंद आपके पाले में है और सावित्री आपकी बाहों में, कीजिए मोहब्बत और करिए शाही इंसाफ। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो।